का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग सिख शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग सिख शेड्यूल जो मिला है वो सिख शेड्यूल हमारा सिख शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग है आर्टिकल 146, हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर सिक्स शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग आईपीपी पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है। तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स भी गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है।
उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। तो बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा हिस्सा लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है, त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा समेटना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 एंड 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो NRC का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल प्लेजर स्टेट। दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए